किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं गायों के चीचड़ी जू और जो भी त्वचा से संबंधित रोग है उनके लिए जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गाय की चीचड़ी हो गई, जूए हो गई, उनको नीम का उबाला हुआ पानी, मतलब 10 लीटर पानी और उसमें 2 किलो नीम के पत्ते और 2 घंटे तक उसको आप उबाल लो अच्छी तरह। और उसके बाद में फिर उसमें कुछ मात्रा में हल्दी और 100 ग्राम उसमें आप हल्दी डाल लो और 2 कपूर की टिकड़ी जो अपन घर में काम में लेते हैं वो डाल के और जिस भी पशु के है उसके ऊपर आप सुबह के समय उसको अच्छी तरह पानी से नहलाओ। और फिर उसके बाद में नीम के पानी से नहलाने के बाद में इन तीनों चीज़ों को मिश्रित करके फिर उसके शरीर पर अच्छी तरह उसकी मालिश कर दो। तो उससे क्या है कि जो जितने भी चीचड़े लगे हुए हैं गाय भैंस बकरी आदि उनके, तो वो निकल जाएंगे। और इसके अलावा दूसरा उपाय यह है कि जिस जगह पे अपन चीचड़े लगे हैं उस जगह की अपन 6-6 इंच गहरी जुताई करनी पड़ेगी। जुताई करने के बाद में कोई भी कीटनाशक हो अपने यहाँ, जो जिसमें कीटनाशक हो उसका 100 ग्राम प्रति टंकी, मतलब 20 लीटर 100 ग्राम में लेकर उस जगह को स्प्रे कर देंगे। जैसे हमारा ये बाड़ा है तो इसके अंदर हम देखो ये खुदाई कर रहे हैं, ऐसे आपको खुदाई करनी है इस वाले में चारों तरफ। और ये हमने कीटनाशक लिया हैवी मात्रा में और ये 60% के आसपास इसमें कीटनाशक है। विक्टोरियन है ये, जो एल्ड्रिंग का काम करेगा, जो कीटनाशक इनके जो कीड़े हैं अंडे हैं उनको मारने का काम करेगा। हम ये अभी एक बार ये स्प्रे कर रहे हैं और फिर 15 दिन बाद में एक बार स्प्रे करेंगे। इस प्रकार हम 2 चैन में अगर स्प्रे करते हैं तो फिर वो हमारे जितने भी यहाँ जू है, चीप है, जो भी पशुओं के चिपकने वाले कीड़े हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो अभी हम ये 10 ml का ये लिया है हमने, एक ढक्कन डालेंगे अभी इसमें। ये हमने 10 ml इसमें डाल दिया, ढक्कन इसमें डाल देते हैं और अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं। करीब ये 10 लीटर की टंकी है तो 10 लीटर में हम पानी डाल रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन झारे में थोड़ी पानी का जो फैलाव ज़्यादा होता है इसलिए हमने ये मशीन काम में लिया। आप दोनों उपकरण ही ले सकते हो, झारा भी काम में ले सकते हो, मशीन भी काम में ले सकते हो। हमारे पास मशीन और झारा दोनों है। मशीन ये ओपन वाली जगह पे हम स्प्रे कर रहे हैं, उनको पानी से अच्छी तरह से साफ करना है क्योंकि गाय जब भी फ्री रहती है तब इसे मुंह से चाटती है या अपने शरीर के और भी खुजली चलती है तो शरीर के कई अंगों को इससे टच करती है। तो आप ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो गाय को बांधने का बूटा है उसको पानी से अच्छी तरह धोएं और जिस जगह आपने स्प्रे किया उसमें कम से कम 8 से 10 दिन के बाद में उनको बांधें, क्योंकि 8 से 10 वो जैविक है और इससे जो उनका लार्वा है वो एक सिस्टम चलता है उनका, 15 दिन में अंडे देना और फिर बढ़ना, तो एक तरह से संपूर्ण नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात, आप जिस जगह पे गाय गोवंश रखते हो या भैंस रखते हो या बकरी रखते हो उस जगह पे आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जहाँ जितनी गंदगी होगी उतना ही इनका सर्किल बढ़ता है और इतने ही ज़्यादा ये पनपते हैं। चीज़ ये है कि आप जितने भी गोवंश है गाय है उनको हर 15 से 20 दिन में एक बार नीम के पानी से आप नहला सकते हैं, हल्का उबाला हुआ नीम के पानी से। तो उससे क्या उनके एक तो खाज खुजली के संबंधित रोग और जी चीचड़ियों के वाले रोग नहीं होंगे। और अगर आपके चीचड़ियों का रोग ज़्यादा है तो फिर मैंने वो मिश्रित बताया, हल्दी 100 ग्राम और नीम का उबाला हुआ पानी 10 लीटर और उसके अंदर 2 टीकियाँ कपूर की, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जिस जगह पे आपकी गोवंश है उस जगह साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो। और जो ये मैंने स्प्रे बताया है वो 15 दिन में 2 बार करोगे तो 1 साल तक कम से कम आपके लिए ये लाभदायक रहेगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और गाय और खेती किसानी और गोपालन से संबंधित जो भी जानकारी हो वो आपके पास हम नई नई लेके आते रहेंगे। मिलते एक नई